आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। देखो आज थोड़ा नया माइक है, पापा का माइक यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइक थोड़ा सा नीचे है। हम लोग ने ब्लॉग चालू कर दिए, बड़े दूर दूर से बंदे आए आज हम लोग के क्लास में, मतलब काले होके आए। ये बंदा नहीं गया था, काले होके आए। वन काली दूसरी काली। अरे दीदी अगर पाउडर लगा के आओगे तो ऐसे लगे, तुमको लगता है कि पाउडर लगाने के बाद आप अच्छे दिख रहे हो और तुमको से तुम्हारी वो कालापन है। ये कॉन्फिडेंस सही नहीं है, ये ना ये कॉन्फिडेंस सही नहीं है तुम्हारा। बट हो गया, तुम काला हो गया, टैन हो गया। ये गए थे किधर, गए थे बेटे एंजॉय, एंजॉय किया गया। मुझे ऐसे मालूम पड़ा किसी को तो लग गया पैर को, अभिषेक को, अभिषेक को। ये भी बंदा अपना गया था, अपना हीरो ये भी गया था। हाँ मैं नहीं गया। क्या बोल रहा है वीडू? स्नैप में किसको देख रहा था मैं? ये नहीं था सच में नहीं था, अरे मेरे को लगा कि ये था करके। बेटा हंस क्यों रहा है, फिर हंस क्यों रहा है, बता हंस क्यों रहा है? मेरे को इसके ऊपर भरोसा भी नहीं हो रहा है, अंदर से मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा इसके ऊपर कि ये नहीं था करके। ये जो हंस रहा है ना, ये स्माइल दे रहा है, अभी भी स्माइल दे रहा है वो, ये देखो अभी भी स्माइल दे रहा है ऐसा वाला। अफसोस मना रहे हैं, अफसोस। देखो मैं भी अफसोस नहीं मनाऊंगा क्योंकि मैं भी नहीं था, बट ठीक है मेरे प्लान अलग हो रहे हैं। बाकी लोगों को मालूम नहीं कौन सी हरियाली चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये इसके मुंह से दिख रहा है कि इसको कौन सी हरियाली चाहिए। देखो हंसने की ताकत देखो इसकी बंदे की। अरे अरे मैं देखा, मैं सुबह सुबह क्या देख रहा मालूम है? इसको मैंने देखा कि स्नैप देखते चलो कि सब लोग क्या कर रहे हैं और कैसे एकदम एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। 3:22 हो गया था, ये गुड मॉर्निंग डाल रहा है। सोया ही नहीं लग रहा मेरे को, ये बंदा सोया ही नहीं है, रात में सोया ही नहीं वो। हाँ गुड मॉर्निंग डाल रहा है, 5 बजे नेहरू में था, 5 बजे नेहरू में बोला। हम लोग माथेरन गए थे तभी भी आया नहीं था कोई इतनी जल्दी, इतना हालत, इतना एकदम डेडिकेटेडली गया था बंदा। हाँ हम लोग आए हैं अभी सरसोड़े बस स्टैनक। देखो इधर पूरा कापा का भी ब्लॉग चल रहा है और मेरा भी ब्लॉग चल रहा है। एक्चुअली ये हम लोग ना बादाम लेके आए हैं आपको, अगर किसको पता नहीं रहेगा तो ये बादाम का फल होता है जिसको हम लोग ये फोड़ने वाले। अपना एक्सपर्ट है इधर क्योंकि इसके पास पहले से तजुर्बा है। हाँ, कितने साल का, मतलब साल का नहीं, दो साल का तजुर्बा है। ये बादाम फोड़ता था पहले बादाम नहीं फोड़ता छोटे टाइम में ऐसे मस्ती मजाक। हाँ तो ये बादाम को हम लोग फोड़ने वाले। या जोर से मत मारा, रुक जोर से मत मारना, तो फट जाएगा पूरा। अरे रे उड़ गया सब, अरे नहीं वो पहले ऐसे ही होता। आराम आराम से कर, आराम आराम से। हाँ एक नंबर भाई, पूरा वाट नहीं लगाने का अपने को। अरे रे कपड़े पे उड़ा रहा है, ए छी यार। अरे नुक रुक रुक रुक, कापा 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 तू कापा, तेरा अड़वा आसा ना, आसा ना अड़वा ना, कापा कापा फोड़ तू। अरे आएगा एक थम रुक रुक, कापा फोड़ेगा। ओके हाँ, अरे ओके ही है सब कुछ। अपने को खाने लायक चाहिए। अरे भगना, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। रुक रहा, ये आ गया, ये आ गया इधर। अरे इधर इसमें दिख रहा है। हाँ ये आ गया बादाम, अभी हम लोग इसको खाने वाले। आधा कापा खाएगा, आधा मैं खाऊंगा। पहले कापा खाएगा जिसने मेहनत की उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पहले कापा खाएगा, आधा कापा नहीं खाया अभी। कापा मेरे को भी दिखा, टेस्ट अच्छा है। हाँ इसका हम लोग टेस्ट लिया, अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा टेस्ट है। मर गए तो कापा और मैं एक साथ नहीं मरेंगे, बचपन से खाते आ रहे हैं। अभी अपना घर पे जाने का टाइम आ रहा है। अरे ब्लॉगिंग भी चालू करने का, ब्लॉगिंग भी करनी पड़ेगा ना, हमें ब्लॉगिंग नहीं करे तो क्या करेंगे। घर पे जाने का भी टाइम आ रहा है हमारा, और हम आ रहे नहीं, हम लोग निकल ही गए। आ रहा क्या होता है, निकल ही गए। मौसम एकदम 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 साफ साफ है एकदम। ये उस दिन है ना, ये नारियल ऐसे ऐसे हिल रही थी, पूरा तूफान आया था तभी। बट अभी साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन मेरे को लगता नहीं दूर दूर तक साइक्लोन कभी दिखेगा। अभी अभी
देखेंगे बारिश तो यहाँ पर गिर गई, मानसून चाहिए। नहीं आया बाबा बारिश आया, कब आया इतने दिन के बाद बोलने के बाद वो हो गया, अभी उसको बहुत टाइम हो गया वैसे तो, बट आ गया था। इधर भी बारिश गिरा है वैसे तो, ये गीला गीला जो दिख रहा है आपको ये साइड में रोड के, वो भी वो बारिश का ही है पूरा। यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरी थी, बट वो सूखा नहीं अब तक। देखो हम तो घर पे आ गए, बट घर पे आने के बाद है ना हमारे घर वालों ने हमको एक अलग वाला काम लगा दिया, वो है रिजर्वेशन करने के लिए जाना है। पप्पा एक्चुअली कल गांव जाने वाले एंड कल जाके फिर से कल ये आने वाले, तो वो करने के लिए जाना है। मेरे को मालूम नहीं अभी वो होगा या नहीं होगा काम, लेट्स सी। अभी मैं निकल रहा हूँ मैं घर से, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अभी देख लेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उससे भी अच्छा है। हम लोग तो आ तो गए बट था ऑफिस बंद, तो अपने को ठाणे जाना है ऑफिस। अभी क्या मालूम कैसे होने वाला है दिन, 8 बजे तक उधर ठाणे में चालू होता है शायद से, अब इधर से निकलना ही पड़ेगा अपने को। अभी हर बार की तरह अपने को यहाँ पर कोपर करने में वेट करना ही पड़ता है, मतलब यहाँ पर ट्रेन ही बहुत कम आती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम आती है। ऐसे लगता है ठाणे को ट्रेन ही नहीं है, आधा आधा घंटा वेट करो फिर आती है ये ट्रेन यहाँ। अभी ग्रीन सिग्नल तो दिखा रहा है वैसे तो, बट आ ही नहीं है अभी तक ट्रेन, कितने बजे की वो भी मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा अभी मेरे को ऐप पे, नहीं तो बहुत लेट होने वाला है यार, बहुत लेट होने वाला है। तो मालूम पड़ रहा है वैसे, फीलिंग आ रही है कि लेट होगा घर। वैसे तो अपना काम हो चुका है एंड रिजर्वेशन वाला भी सीन हो चुका है पूरा, अभी घर पे निकलने का टाइम होता है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों ने काम किया, मतलब 8 बजे बंद होता तो अभी टाइम पे हो गया 19:40, 20 मिनट पहले ही ख़त्म किया है मैंने काम। देखो हम लोग है ना अभी आ चुके हैं घर पे एंड वो सब अभी दे दिया अपने पापा के हाथ में और सब कुछ एकदम अभी ओके है। देखो इतना मेरे को तकलीफ हुआ है आज, मेरे 3.5-4 घंटे इतने वेस्ट गए, मतलब वेस्ट नहीं इन द सेंस मेरे लिए वेस्ट गए क्योंकि मेरा काम थोड़ा पेंडिंग रह गया और पेंडिंग होने की वजह से अभी वो होगा नहीं। मैंने सोचा था कि घर पे आएंगे मस्त आराम करेंगे और आराम करने के बाद बाहर घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने के लिए कहाँ गए हम, कोपर खेलने में बंद मिला हमको। थाने में गए तो एट द एंड ऑफ द थाने गए, मतलब 20 मिनट बचे हुए थे तभी हम लोग पहुँच गए। बोला ठीक है अभी ओके, अभी हो चुका है काम। मैं तो पूरा ये था फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि अभी करे तो करे क्या, इधर नहीं जाना है फिर उल्टा घूम के आना है, फिर ऐसे उल्टा सुल्टा हो गया थोड़ा सा, इट्स ओके अभी क्या ही कर सकते। देखो ऑलमोस्ट अभी है ना टाइम हो चुका है 10:09, अब देखो यहाँ पर दिखेगा आपको ओके 10:09 हो चुके एंड मुझे ऐसे लगता है कि ब्लॉग को ख़त्म करने देना चाहिए, मेरा थोड़ा सर दर्द भी कर रहा है, थोड़ा ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए जिसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जाके हमारे पुराने वाले ब्लॉग्स देखो, हम बड़ा थोड़ा एनर्जेटिक ब्लॉग और होना चाहिए था बट इट्स ओके, कभी कभी छोटे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बोर करने वाले अच्छे नहीं लगते, तो इसमें खुशी मान लो। मैं मिलता हूँ डायरेक्ट कल एकदम एनर्जी के साथ, चलो बाय बाय।